ओके गाइस, देखिए इस क्वेश्चन में कह रहे हैं, इफ़ अ बस ट्रेवल्स 160 किलोमीटर इन 4 आवर्स, एक बस 4 घंटे में 160 किलोमीटर चलती है और एक ट्रेन आपका 5 घंटे में 320 किलोमीटर चलती है यूनिफॉर्म स्पीड से, एक समान चाल से, देन व्हाट इज़ द रेशियो ऑफ द डिस्टेंस ट्रेवल बाई देम इन 1 आवर। तो आपको बताना है कि इनका रेशियो क्या होगा एक घंटे में, 4 घंटे में बस चलती है और 5 घंटे में ट्रेन, तो एक ही घंटे का बताना है। देखिए जो ऑप्शन आपका ये लिखा हुआ है ना 8:5, इसको कहते हैं, इसको आप इस तरह भी समझ सकते हैं, ये लिखा हुआ है आपका 8/5, 5/8, 4/5 ही लिखा हुआ है, ठीक। रेशियो रेशनल नंबर से मिलके बनना है, इसलिए ये रेशनल नंबर में लिखा जाते हैं, ठीक। ये सब इस तरह लिखे हुए हैं, 1/2, 4/5, इस तरीके से लिखे हुए हैं। तो बस 160 किलोमीटर चलती है 4 घंटे में, तो एक घंटे में कितना होगा, 4 × 1 = 4, 4 × 4 = 16 और 0, मतलब एक घंटे में वो चलती कितना, 40 किलोमीटर। तो 1 आवर में 40 किलोमीटर बस का आ गया। अब ट्रेन का हम निकाल लेते हैं, 1 आवर का 320/5, क्योंकि ट्रेन का 5 से, तो 5 से 5 × 1 = 5, 5 × 6 = 30 और 2 × 5 = 4 = 20, तो 1 में कितना आ गया, 64। 1 का ये पूछा था, तो 1 आवर में 40 किलोमीटर बस चलती है और 1 आवर में ट्रेन चलती है 64 किलोमीटर। इनका रेशियो निकालना था, किसका, बस का और ट्रेन का। तो बस को ऊपर रखेंगे, ट्रेन को नीचे रखेंगे, जो आया है वो आपको कट कर देंगे, तो कट कर दीजिए इसको। तो अब जब इसको कट करेंगे तो इसकी वैल्यू आएगी, 5/8 आएगी, ठीक है। तो 5/8 देखिए कौन सा है नंबर, हमारा बी ऑप्शन 5/8 है, इसी 5/8 को ही 5:8 कहा जाता है, तो इसका आंसर होगा बी, ठीक है। काफ़ी इजी क्वेश्चन था, हमें एक घंटे का रेशियो निकालना था, उसने 4 और 5 घंटे में दे रखा था। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। ओके गाइस, थैंक यू।